टेंथ क्लास आज आप मनुष्य का हृदय के बारे में पढ़ेंगे। मानव का हृदय अत्यंत ही कोमल मांसल और तिकोने आकार की रचना है। जैसा आप अपनी मिर्ची को बंद करते हैं ना, तो उसी के आकार की ये रचना है। स्थित कहाँ है? तो हमारे वक्ष गुहा में, पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ा के बीच ये स्थित होता है। नाइन्थ क्लास में आप पेशी ऊतक पढ़े थे, तो हृदय जो है वह हृदय पेशी का बना है। हृदय पेशी ऊतक की कोशिकाओं से इसका निर्माण हुआ है और यह एक केंद्रीय पंप अंग की तरह काम करता है। इसको केंद्रीय पंप अंग क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि ये रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण संपूर्ण शरीर में कराता है, इसीलिए इसको केंद्रीय पंप अंग कहते हैं हृदय को। और हृदय की संरचना जब देखी गई, तो हृदय की संरचना में हृदय जो है यह एक दोहरी झिल्ली की घिरी हुई, ये झिल्ली का लगे ना पेरिटोनियम की झिल्ली से जिस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। और झिल्ली के बीच जो जगह होता है वो जगह कहलाता है पेरिकार्डियल कैविटी। उसके अंदर एक द्रव पदार्थ भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, वो कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो तरल पदार्थ भरा रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसका काम है कि हृदय जब फैलता है, सिकुड़ता है, तो उससे होने वाला जो घर्षण है, उसकी गति से जो घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण को यह कम करने का काम करता है और बाहरी आघात से इसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। जो पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसका ये काम है। अब हृदय की संरचना में आप देखेंगे कि हृदय की संरचना में कौन कौन सा भाग है। तो मानव के हृदय में, आप स्तनधारी में पढ़ेंगे, मानव के हृदय में ना चार चैम्बर होता है। यह स्तनधारी की विशेषता है कि उसके हृदय में चार चैम्बर होते हैं। चैम्बर को बोलते हैं कोष्ठक। तो मनुष्य भी स्तनधारी वर्ग का जीव है, तो उसमें चार कोष्ठक, ऊपर वाला चौड़ा होता है और नीचे वाला सकड़ा। चौड़े वाले भागों को बोलते हैं आलिंग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑरिकल, और सकड़े भाग को बोलते हैं निडर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेंट्रिकल। और दोनों के बीच, दोनों आलिंग के बीच में एक सेक्टम होती है, एक दीवार होती है, एक विभाजन।
जो कपाट लगा होता है ये द्विदलीय कपाट होता है, हमने यहाँ दर्शा दिया द्विदलीय कपाट, इसको मित्रल कपाट भी बोलते हैं। ये है फुसफुस चाप, इसको बोलते हैं पल्मोनरी।